Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our revision, but revision chapter 4 का हमारा हो गया था. And then chapter 5 जो है हमारा, तो chapter 5 में where to look from, तो चीजें कहाँ से आप view उसका कैसा है वही है उस chapter में. तो उस chapter में solve the problems जैसा कुछ नहीं है, एकदम easy chapter है. इसलिए आज हम start करते हैं chapter 6 the germ cell का revision. Okay? आज हम कौन सा start करते हैं? Chapter 6 the germ cell का revision. तो germ cell लास्ट में स्टेटमेंट लिख
करती हूँ कि प्लीज राइट स्टेटमेंट, फिर भी वैसे कि वैसे ही हो आप लोग तो फिर मार्क्स कटेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अभी। ओके चलो स्टेटमेंट लिख देना है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 45 केजी न्यूज़पेपर? तो 45 केजी न्यूज़पेपर प्राइस इज रुपीज 315। रुपीज 315 इस तरह से देख देना। वन टाइम रिपीट कर देती हूँ। एक वन के लिए न्यूज़पेपर कॉस्ट इज रुपीज 7। सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 45 केजी न्यूज़पेपर? हमें 1 केजी की प्राइस यहाँ पे दी हुई है और हमें 45 केजी न्यूज़पेपर की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इफ 1 केजी इज इक्वल टू 7 रुपीज, सो 45 केजी इज इक्वल टू हाउ मच? फिर 45 मल्टीप्लाई 7 करोगे, आंसर हमारा आएगा 315 रुपीज। फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि 45 केजी न्यूज़पेपर प्राइस इज रुपीज 315। ओके चलो नेक्स्ट हम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बस फिगर चेंज होते रहेंगे, अदरवाइज सेम की सेम मेथड रहेगी। बट जहाँ पे हमें यह कॉस्ट ऑलरेडी दे दी है और फिर हमें ये फाइंड करना है कि कितने केजी हमने बेचा होगा या सेल किया होगा, वहाँ पे डिवीजन आएगा। ओके यहाँ पे है एक 1 केजी एंड कॉस्ट इज रुपीज 25। यहाँ पे अभी क्या सेल कर रहे हैं? आयरन। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 15 केजी आयरन? अगर 15 केजी आयरन है, 1 केजी आयरन की कॉस्ट है 25 रुपीज एंड 15 केजी आयरन है, तो कितने रुपीज हमें मिलेगी, तो उसकी प्राइस क्या होगी? तो यहाँ पे भी सेम मेथड, इफ 1 केजी इज इक्वल टू रुपीज 25, सो 15 केजी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम जैसे हम ऑलवेज करते हैं वैसे, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 1। ओके डिवाइड बाय 1 यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई 25। ओके जब भी नीचे 2 डिजिट हो मल्टीप्लीकेशन में, जब भी नीचे 2 डिजिट हो, मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ कि मैं लेफ्ट साइड से काउंट करती हूँ। लेफ्ट मतलब ये वाला लेफ्ट नंबर है एंड 5 जो है वो राइट वाला नंबर है। तो जब भी हम काउंट करते हैं तो लेफ्ट वाले नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट वाले नंबर से जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करो मल्टीप्लीकेशन में, तब पहले हमें क्या रखना है? 0 रख देना है। ओके 0। अभी 2 5 का 10 का 0 नीचे 1 होगा ऊपर, कैरी 2 1 का 2 प्लस 1 3। ओके फिर 5 से अभी ये 2 का हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अभी 5 का बाकी है। तो 5 1 का 5 5 का 25 का 5 नीचे जाएगा, फिर ऐसा लगे ना तो ये लॉक कर दो, फिर यहाँ पे 2, नहीं तो फिर आप वो भी काउंट कर लोगे, आगे का 1 है ना वो भी आप एडिशन कर लोगे। इसलिए क्या करना है, इसे साइड में रख दो या फिर इसे कट कर दो। ओके फिर 2 5 5 का 25 का 5 नीचे 2 होगा ऊपर, कैरी 5 1 का 5 प्लस 2 तो 6 है 7, यहाँ पे आएगा 7। फिर अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वर्क फिनिश हो गया, अभी हमें ये दोनों डिजिट पे ही ध्यान देना है। अभी ये दोनों नंबर को हमें क्या करना है? एडिशन करना है। ऊपर 0 है दैट मीन्स 5 का 5 आएगा, यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा और यहाँ 3 के नीचे भी कुछ भी नहीं है, इसलिए सीधा 3 का 3। तो आंसर क्या आया? 375 रुपीज। ओके 375 रुपीज। चलो अभी नेक्स्ट हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि 15 केजी आयरन कॉस्ट इज आयरन प्राइस इज 375 रुपीज। ओके इस तरह से लास्ट में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है आपको। तो आई होप आप
होती है नए वाले प्लास्टिक की बॉटल, आप सिंपल से प्लास्टिक की बॉटल भी छोटी वाली लोगे ना तो 20 रुपीज से अब मिलेगी, बट ये जो सारी चीजें है वो जर्म सेलर के यहाँ हम सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस है। ओके, तो जर्म सेलर के यहाँ पे हम अगर प्लास्टिक 1 kg प्लास्टिक होगा तो सिर्फ 14 रुपीज हमें मिलेंगे। तो वैसे अगर 32 kg प्लास्टिक है तो कितने रुपीज हमें मिलेंगे, तो वो फाइंड करेंगे सेम मेथड से। इफ 1 kg इज इक्वल टू रुपीज कितने है 14, ओके 14 और 32 kg का हमें फाइंड करना है। सो 32 kg इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 32 kg का कितना होगा। ओके, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 32 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे हम करेंगे 32 मल्टीप्लाई 14। ओके, अभी जैसे मैंने वहां पे बताया कि जब भी हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं वैसे क्या रखना है, जीरो जीरो रख ही देना है। फिर 1 2 2 1 3 3, 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब 4 का करेंगे, 4 3 4 2 8 and 4 3 12। अभी ये दोनों को ऐड कर देना है, फिर 8 के ऊपर 0 है तो सीधा 8 आएगा, 2 + 2 आएगा 4, 3 + 1 आएगा 4, दैट मींस कितना आएगा आंसर हमारा 448। ओके, फिर स्टेटमेंट लिख देना है कि 32 केजी प्लास्टिक कॉस्ट प्राइस इज 32 kg प्लास्टिक प्राइस इज 448 रुपीज। ओके, 448 रुपीज क्या आएगा, 448 रुपीज। चलो अभी नेक्स्ट सम करते हैं, हम दूसरा कोई करेंगे प्लास्टिक का किया, आयरन का किया, अभी ब्रश का करते हैं। ओके, इफ 1 kg Okay.
अभी यहाँ पे ऊपर थ्री डिजिट है, नीचे टू डिजिट है, बट नीचे टू डिजिट हो, नीचे अगर टू डिजिट हो तो हमें पहले क्या रख देना है, जीरो, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसलिए वन इंटू जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो जीरो, वन एट जा एट एंड वन टू जा टू। ओके, यहाँ पे दो जीरो क्यों आए, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया, तो पहले हमने जीरो रख दिया, फिर वन मल्टीप्लाई जीरो, तो जीरो, वन एट जा एट एंड वन टू जा टू। अभी टू के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टू इंटू जीरो, टू एट जा सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स नीचे, वन होगा ऊपर कैरी, टू टू एट जा सिक्सटीन का सिक्स नीचे, वन होगा ऊपर कैरी, टू टू जा फोर एंड प्लस वन फाइव। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टू सिक्स जा सिक्स एंड यहाँ पे कैरी कर देते हैं, यहाँ पे कैरी नहीं आएगी। ओके, कैरी जो है अभी हम मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं तो ऊपर ही आएगी, क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो इफ वन के जी इज इक्वल टू रुपीज सिक्स,
34. The answer is 34. That means 348 rupees. 348 rupees. Last में statement लिख देना है. So 58 kg waste paper cost. Price या cost कुछ भी लिखो तो चलेगा. Price. कितनी होगी 348. तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया. कि 1 केजी पेस्ट का पेपर कॉस्ट इज रुपीज 6. तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 58 केजी वेस्ट पेपर. तो सेम मेथड से हम करेंगे. इफ 1 केजी इज रुपीज 6 तो 58 केजी इज इक्वल टू हाउ मच. 58 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो क्या आएगा आंसर. इस तरह से टेबल्स और स्टे से स्टे हेल्दी.